तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। और UPSC का LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम था वो 29 को शांतिपूर्वक तरीके से हो चुका है। और आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पार्ट को, सोशल साइंस के हिस्ट्री पार्ट को सॉल्व किया है, तो आपके मन में जानने की इच्छा होगी कि उसके आंसर्स क्या रहे होंगे, क्या जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर सही हैं या गलत हैं। तो आप आंसर की का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपके सामने मैं आंसर्स बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हैं कि उनके आंसर्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं, तो उसमें अगर आपको पता है तो आप लोग हेल्प कीजिए, कमेंट में उनके आंसर बताइए। पूरी कोशिश की गई है कि जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट ही आप तक पहुँचाए जाएँ। तो आंसर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, स्थूल बद्ध ने। नेक्स्ट इज, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बौद्ध गया। ऑप्शन ए, बौद्ध गया। अगला प्रश्न, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। नेक्स्ट है, मैगस्थनीस के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, नगर के अधिकारी। अगला प्रश्न है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? राइट ऑप्शन बी, बिंदु सार। नेक्स्ट इज, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सीरीज मैच नहीं कर रही है तो आप क्वेश्चन को मैच करके अपने आंसर्स को पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत है, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राज प्रथम की माता का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन डी, वान वन महादेवी। अगला प्रश्न, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोट थी? सही जवाब ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार थे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जॉन राज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के शासन काल को काल क्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 2 3 4। इसका ऑप्शन बी जो आंसर है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, ये भी सही है। और गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, ये भी सही है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ। अगर आपको कंफर्म है इसका आंसर तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें और सबकी हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक
यादव शासक कौन था? राइट ऑप्शन डी रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी कन्नौज। तो कन्नौज का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था बल्कि 1540 में हुआ था। नेक्स्ट, और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 4321। सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह जो कि 1290 में हुआ, फिर उसके बाद बाजार नियंत्रण नीति, देन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और लास्ट में हुआ तैमूर का आक्रमण। इसलिए आंसर है 4321। नेक्स्ट है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3124। 3124 यानी कि सबसे पहले कुतुब मीनार बनाई गई, फिर उसके बाद आगरा का किला, उसके बाद दिल्ली का लाल किला और लास्ट में बना है ताजमहल। टू, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किरोदी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। राइट ऑप्शन इसका सी है, शेर शाह सूरी के शासन काल में किरोरी शब्द प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के संरक्षण दिया किसको कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था विजयनगर साम्राज्य में? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बल्लभाचार्य को दिया था। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी बलबन। तो बलबन के शासन काल में मार्को पोलो नहीं आया था। नेक्स्ट इज, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वैष्णव धर्म से संबंधित है श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मैं गलत बताऊं, इससे अच्छा ना बताऊं, तो आप लोग कमेंट में मुझे अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से क्या तात्पर्य था? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मुख्य सचिव। सही जवाब है मुख्य सचिव। नेक्स्ट इज, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करने पर जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी 2413। सबसे पहले चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद खुसरो का विद्रोह, देन खुर्रम का विद्रोह और लास्ट में हुआ धर्मत का युद्ध। नेक्स्ट इज, अकबर के शासन काल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 33/1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पैबाकी शब्द से तात्पर्य है ऑप्शन डी भूमि। तो पैबाकी जो शब्द है वो भूमि से संबंधित है और पैबाकी भूमि ऐसी भूमि होती थी जो खालसा भूमि से अलग होती थी लेकिन किसी को अभी तक जागीर के रूप में नहीं दी गई होती थी, तो उस भूमि को पैबाकी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रजमनामा शीर्षक दिया गया? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी महाभारत। ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी 3412 यानी कि कालिकट,
1500, ऑप्शन थ्री कन्नौर 1502, धाबोल 1522 और पोन्नानी 1525। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन फोर इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन सी बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि 1818 में नहीं बल्कि 1803 में हुई है, देवगांव की संधि। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो आपने बहुत जगह देखा होगा सिर्फ सन ही दे रखा है, मैंने भी काफी सर्च किया इसको, तो तब जाके इसका सही जवाब मिला ऑप्शन बी 25 जुलाई 1856। तो एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी 25 जुलाई 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? सही जवाब ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। सही जवाब के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। नेक्स्ट इज, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट ऑप्शन इज इसका ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। सबसे पहले सूरत की संधि, फिर सालबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि और बाद में बेसिन की संधि। 2, 3, 1, 4 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? सही जवाब इसका ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी द्वितीय मैसूर युद्ध। तो द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन लगा मुझे, मैंने नहीं मिला इसका आंसर मुझे, तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बाद में मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर ज़रूर बताऊंगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। तो 1854 में है शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट 1882 में है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 में हंटर शिक्षा आयोग और 1907 में है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। राइट ऑप्शन बी 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणेश्वर संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस से दक्षिणेश्वर संबंधित है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए शाह अब्दुल अजीज। तो ये देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों देवबंद दारुत उल इस्लाम भी बोला जाता है इसे, देवबंद स्कूल से ये तीनों जुड़े हुए थे। नेक्स्ट इज, और जो नहीं जुड़े थे वो थे ऑप्शन ए शाह अब्दुल अजीज। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि दी गई? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को। इन्हें
जो उपाधि दी गई उसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, इसीलिए उन्हें ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक लेखक हैं और सूची दो कृति हैं, और उसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, JL नेहरू, द यूनिट ऑफ इंडिया। तो द यूनिट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृति है, ना कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, संगठन दे रखे हैं, संस्थापक दे रखे हैं, और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ऑल इंडिया किसान सभा। तो ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक हैं सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, ना कि महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन सी, एक और दोनों ही, दो दोनों ही सही हैं। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, ये भी सही है, और दूसरा उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, यह भी सही है। तो 1934 में उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो दोनों ही सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ को भारत विभाजन के बाद सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। वो भारत के नहीं थे, फिर भी उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इसके लिए भी माफी चाहूंगी, इसका भी आंसर मैं नहीं पता लगा पाई, अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ लगा मुझे, तो ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं कि आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। राइट ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कालीबंगा और लोथल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, महादहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। राइट ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया। सही जवाब जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, तृतीय मंडल। नेक्स्ट है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो सॉरी गाइस, ये तीन चार टोटल फोर क्वेश्चन है जो मैं पता नहीं लगा पाई हूँ, सिर्फ फोर क्वेश्चन है। तो फोर क्वेश्चन के आप को कमेंट में आंसर बताने हैं अगर आपको पता है तो। इसके अलावा जो बचे हुए 56 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसके आंसर बिल्कुल सही हैं। तो उनके लिए आप बेफिक्र होकर आप अपने जो आंसर की जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैच कर सकते हैं। बाकी जो चार क्वेश्चन है मैं आपको गलत बताती, उससे अच्छा मैंने आपको नहीं बताया है। तो आप कमेंट में अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर लिख के भेजिए। लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णु उरुक्रम। तो विष्णु उरुक्रम जो कहा जाता है वो लक्ष्मी को कहा जाता है, तो ये सूर्य देवता नहीं थे। तो ये थे हिस्ट्री पार्ट के 60 क्वेश्चन के आंसर्स। आई होप आपको आंसर की अच्छी लगी हो, आपने काफ़ी अच्छे से एग्जाम दिया हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को, और भी जो पार्ट्स हैं SST के वो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, उसकी आंसर की आप तक जल्दी ही पहुंचेगी। तो चैनल बेल आइकन पर प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।